ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जिनके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर शिवलिंग रहता है, ध्यान देना। जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाल्टी में रखकर भगवान शंकर की शिवलिंग का स्नान कराता है, फिर शिवलिंग के स्नान किए हुए जल को ले जाकर अपने बगीचे में डाल देता है। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली होती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, अचानक अटैक आने वाला होता है, मात्र शंकर भगवान की शिवलिंग का स्नान करा के उसी जल को घर के बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें डाल देने से घर की सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु टल जाती है, ऐसा शिवपुराण की कथा कहती है। शिवपुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो जिस भी लोटे से जल चढ़ा रहे हो वो लोटा शिवलिंग से टच नहीं होना चाहिए, शिवलिंग से थोड़ा ऊपर उठाकर ही जल चढ़ाना चाहिए। और अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो जल की धार जितनी जितनी धीमी होगी ठीक उतनी ही जल्दी महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं कि आप लोटे में जल लिए और तुरंत जाकर शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा डाल दें, आपको बहुत ही आराम से धार लेकर के फिर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे महादेव आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। हर हर महादेव।